जी की सब मेहनताना का रूप में आपसे खाली एक का जरा है, कमेंट बॉक्स में जय रघुनाथ जी की लिखनी है और लाइक को बटन दबाना है। ठीक है, हमेशा याद रख जो समीचार शेयर भी करना है। चलो मना है आज का गणपति। कोई कहे गर्मी 40 डिग्री होगी, कोई कहे धरती तपेगी, वो सब अपन कहीं नहीं जाना। अपना सनातन में ठंड गर्मी बरसात भी भगवान की देन रहे। आज वजह है कि पूजन में भी मौसम को असर रहे। महाकाल रजक दरबार की बात ले लो, गर्मी शुरू हुई ने वैशाख महीना प्रतिपदा से बाबा सरकार का मंदिर में 11 मिट्टी कलश उनसे अभिषेक शुरू हो गयो। जेठ महीना पूर्णम तक अब इन कलश उनसे सतत भगवान का अभिषेक चलता रहेगा। सभी नदियों का जल गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनिया चरवणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता, इन सभी नदियों के जलों का आह्वान करके उन गलंतिकों में डालकर भगवान के ऊपर से आज वैशाख और ज्येष्ठ दो मास भगवान के ऊपर ये मटकी सतत सुबह भस्म आरती से लेकर शाम को 5 बजे तक भगवान के ऊपर ये धारण रहेगी। लो साहब, कॉलेज 5वीं 8वीं वाला नानक्या मेंट क्या उनकी परीक्षा का रिजल्ट आया तो आज विन से थोड़ा सीनियर नानक्या मेंट क्या उनको रिजल्ट आई गयो। अपना जिला में 10वीं परीक्षा का रिजल्ट 58% रियो है। कुल 18,640 बच्चा उन परीक्षा में बैठा था, इनमें 10,811 बच्चा बच्ची उन पास हुई गया। अड़ी तरीका से 12वीं को MP बोर्ड वालों रिजल्ट 73% का मेरा रियो है। 12वीं जिला में से कुल 5,287 बच्चा उन शामिल हुआ था, इनमें 3,879 बच्चा उन पास हुई गया। 12वीं में एक तो अपना खाचरोत की बच्ची है निशी सुराना, वाणिज्य में आखा प्रदेश की मेरिट में 7वां नंबर पर आई है। एक खाचरोत को बच्चों है हिमेश बम्बोरिया, इन्हें भी वाणिज्य में आखा प्रदेश की मेरिट में 9वां नंबर मारियो। एक उज्जैन का उत्कृष्ट स्कूल वालों बच्चों है कृष्णा मिश्रा ने, इनाज स्कूल की बच्ची ऐश्वर्या चौबे, इनने 8 होम साइंस वाला विषय में आखा प्रदेश की मेरिट में 2वां 3वां नंबर मारियो। ये 4 बच्चा बच्ची उनने दूजा बच्चा बच्ची उनके भी सबके परिवार की तरफ से घनी सारी बधाई। कॉन्फिडेंट था कि मैं अच्छा ही करूँगी, तो सब बहुत खुश हुए जब मेरा रिजल्ट आया था। मैंने स्टेट में सेकंड रैंक कर ली मेरी, और जो कि काफी अच्छी बात है, मैं भी काफी खुश हूँ, परिवार वाले भी काफी खुश हैं। और एग्जाम के टाइम पे मतलब मेरे को थोड़ी इंजरी हो गई थी, तो उस टाइम थोड़ा हार्ड हो गया था मेरे लिए पढ़ना, जैसे कि ड्राइंग का सब्जेक्ट भी मेरा, कि मुझे स्कूल में ही आके पता चला जी। महाकाल में उमा सांझी महोत्सव होता है, उसमें मैंने रंगोली में प्रथम स्थान प्राप्त करा था जी। और पेंटिंग प्रतियोगिता में सेकंड आई थी मैं। और बच्चे बस सिर्फ मेहनत करें और अपने पसंद का सब्जेक्ट लें और आगे बढ़े। नागदा का कणे गई सांझ इंदौर में रहने वाला एक कच परिवार को 2 दर्जन जना उन घायल हो गया। सगला राजस्थान का माय कणी रिश्तेदार शादी में शामिल होन गया था। लौटता टेम पछाया नागदा कणे सामे से आयो एक ट्रक इनकी गाड़ी से अथड़ाई गयो। घटना अवक बाद सगला के लेके नागदा वाला अस्पताल में पहुंचा, यहाँ एक दो मामलो थोड़ो सीरियस रहो तो इनके उज्जैन पहुंचाया, ट्रक के पुलिस ने धरी लियो है। हम इंदौर से राजस्थान जा रहे थे, राजस्थान से शादी लगा के वापस आते आते नागदा में हमारी गाड़ी को ट्रक वाले ने ठोक दिया। गाड़ी खड़ी करी, ड्राइवर ने मुंह धोया, फिर तीसरे ट्रक आया उसने ठोक दिया। 13-14 जन थे, सो रहे थे। तो कितने लोग घायल हुए? अभी तो 4 जन ज़्यादा घायल हुए, बाकी दो ऐसे। 30 तरह का पराठा, 50 तरह को साग, उज्जैन का मेरे भी अब मिलेगा आखा भारत को साथ। राजस्थान को दाल बाटी चूरमो, दक्षिण की इडली, गुजरात को ढोकलो, खाली आओ ने हुकम फरमाओ। एक बात की गारंटी है, आप यहाँ आओगा पाचा स्वाद वास्ते दूसरी जगह कहीं बैठ जाओगा। सफाई शुद्धता गारंटी वालों तेल उज्जैन में कभी तुम्हारे बढ़िया चखनो हो स्वाद तो यो पतो याद रखियो साहब, बापू जी ढाबो पत्ता में ज्यादा नहीं उलझना हो, सीधी 60-60 देवास वाली सड़क पकड़ो, नागजीरी आएगी नहीं इकाबाद आएगो दत्ताणो, बस यहाँ जे बापूजी का ढाबा वालो ठिकानो। अयाड़ी इंदौर रोड वाली से जाओ तो तपोभूमि कनेक्ट बने नवो फोर लेन आपके सीधे यहाँ पहुँचाएगा। एक बात बताना तो वो भूल ही गयो,
यहाँ का सगड़ा कारीगर भी यहाँ का नहीं है, आखा देश में स्वाद की राजधानी मारवाड़ से आया है। लोकसभा वाला चुनाव भाजपा जोर शोर से प्रचार चली दो, यानी कांग्रेस वाला मारा भाई भी कहाँ पीछे रहे, इनकी तैयारी जोश के साथ आगे बढ़ी रही है। 25 अप्रैल माने गुरुवार है, शहीद पार्क का कड़े आम सभा होएगा, इसके बाद नामांकन वाली रैली भी निकलेगा जो कोठी तलक जाएगा। शेर कांग्रेस वाला अध्यक्ष जी मुकेश भाटी जी बता रहे 25 वाली रैली इन सभा में शामिल होने सचिन पायलट जी, प्रदेश वाला अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने उमंग सिंगार जी, ये तीन बड़ा नेता जी उन बह रहा है। उज्जैन आलोट लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई महेश परमार जी के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लाडले अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री परम सद्य आदरणीय सचिन पायलट साहब, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, तीनों ही हमारे वरिष्ठ नेता जी शहीद पार्क पर 25 तारीख को सुबह 10 बजे एक विशाल और ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करेंगे और एक विशाल नामांकन रैली निकलेगी। काले हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव का दन आखा जिला नरसरा मंदिर उनमें धार्मिक आयोजन हुआ। यहाँ उनेल रोड आड़ी का सारीबारी गांव में भी टेकरी वाला मंदिर पे हनुमान जी महाराज को जन्म उत्सव मनियो, श्री विष्णु नाम महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। बहन जी अरुण दास जी महाराज की अगुवाई में हुआ इन आयोजन में आखा उज्जैन का साधु संत उन शामिल हुए, सगला भगत जगत उनके आशीर्वाद दिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी संत भगवान ब्राह्मण और सारे गांव वासी का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ और आज यज्ञ की पूर्णाहुति बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। यहाँ सारीवारी धाम में जैसा अभी महाराज जी ने बताया अरुणदास जी महाराज जी ने कि विष्णु महायज्ञ का भी आयोजन था, उसका समापन हुआ और उज्जैन के प्राय 82 से 85 स्थान है वहाँ के संत, सभी संतों का निमंत्रण था, सभी संत आए और पूरे नगरवासी उन्होंने आकर भोजन प्रसादी ली और सब ने पुण्य का लाभ ग्रहण किया। एक और धार्मिक आयोजन या नरसिंह घाट आड़ी का शंकराचार्य मठ का कणे भी व्यो, यहाँ महाराष्ट्र से पधारिया परमार्थ सेवा समिति वाला सदस्य उनने हनुमान चालीसा जी को सामूहिक पाठ करो, आने संस्थक सदस्य उन कैंसर वाला मरीज उनकी सेवा के लिए काम करे, विंड के लिए एक अस्पताल भी बनवा रहा है। आज का कार्यक्रम बड़ा सुंदर था, हनुमान जी का जन्मोत्सव सुबह 7 बजे जन्मोत्सव किया गया था, उसके बाद में अभी जैसे बताया गया 11 बार हनुमान जी का पाठ किया गया जो संस्कार में सब जगह दिखाया गया। मेरे ख्याल में संस्कार के हिसाब से पूरा विश्व में लोगों ने देखा है और उसके साथ में पाठ भी किया है। हमारा हमेशा परमार्थ सेवा समिति का एक सिस्टम है कि हर साल हम लोग है ना 150-125 सीनियर लोग है ना मंदिर दर्शन करने को जाते हैं जैसा नई नई जगह पे, तो इस बार हमने महाकाल का फाइनल किए, लास्ट टाइम हम बनारस गए थे तो ऐसा हर साल आते हैं और अभी ये दूसरा दिन हमारा है। कल हम ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करके आए, आज अभी हनुमान जन उत्सव का प्रोग्राम हो गया है और शाम को राजनीति का। आपने देखा आज का बुलेटिन, बुलेटिन आपके कैसा लगे बता दीजिए जरूर, काले फिर हाजिर होंगे आपका सबका वास्ते कहने की नई चीज लेके, मारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत, जय रघुनाथ जी की।